हेलो एवरीबॉडी, आपको तो पता ही है कि हम भारतीयों का खाना, चाहे वो नाश्ता है, लंच है, स्नैक्स है, डिनर है, अचार और चटनी के बिना अधूरा है, क्योंकि ये हमारे बेसिक खाने को भी चार चांद लगा देते हैं। तो आज मैं आपके सामने धनिया और पुदीना की तीन डिफरेंट स्टाइल की चटनी लेकर आई हूँ। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए हरा धनिया, पुदीना। ध्यान रखिए पुदीना थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा हो जाए तो हमारी चटनी कड़वी हो सकती है। इमली का पानी, दही, प्याज, लहसुन, नमक, हरी मिर्ची और नींबू। पर यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको लहसुन या प्याज नहीं चाहिए तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब हम इसका एक बेसिक मिश्रण तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मिक्सिंग जार ले लेते हैं, उसमें मैं कोरिएंडर डाल देती हूँ, यानी कि हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, प्याज, लहसुन, नमक। नमक आप देख लीजिए, आप बाद में टेस्ट करके फिर से चेंज कर सकते हैं या डाल सकते हैं थोड़ा। हरी मिर्ची जिसको मैंने कट करके डाल लिया है, थोड़ा सा पानी ताकि ये मिक्सचर अच्छे से ग्राइंड हो जाए, और अब हम मिक्सी चला देंगे। तो हमारा चटनी का बेसिक मिक्सचर तैयार है। देखिए कितना हरा है ये। जनरली जो पुदीना होता है वो हमारी चटनी को बहुत अच्छा कलर देता है। अब हम इस चटनी को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने दही फेंट के रखा हुआ है, उसमें मैं ये मिश्रण डाल दूंगी। पहले मैंने अपना मिश्रण जो है वो दही में डाला, हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और देखिए हमारी चटनी का कलर कितना अच्छा आया है। आप चाहें तो इधर नींबू भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं नींबू की थोड़ी सी बूंदें डाल दूंगी। तो देखिए हमारी यहाँ पे दही वाली चटनी रेडी है। इस चटनी को आप कबाब, परांठा, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, फलाफल, इन जैसी रेसिपीज के साथ में इस चटनी को खा सकते हैं। चलिए अब हम दूसरी रेसिपी बनाते हैं, दूसरी चटनी। यहाँ पे वही मिश्रण मैंने लिया है, इसमें मैं इमली का रस डाल दूंगी। जितना आप खट्टा खाते हैं आप उतना ही डालिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसकी क्वांटिटी अगर आपको थोड़ी सी बढ़ानी है तो आप थोड़ा पानी डाल लीजिए। इस टाइम पे आप नमक टेस्ट कर सकते हैं ताकि आप इस वक्त डाल सके। और फिर हम इसके ऊपर नींबू की कुछ बूंदे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी धनिया पुदीना की दूसरी चटनी भी तैयार है। इसे आप पकौड़े, दाल, चीला, समोसा, किसी भी टाइप की चाट है उसके साथ में मजे लेकर खा सकते हैं। ये हमारी तीसरी चटनी है। इसे आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, या तो आप इसमें नींबू डाल सकते हैं, या तो आप इसमें एगलेस मेयोनीज डाल सकते हैं, जैसे भी आपको यूज करनी है। पर मैं यहाँ पे नींबू डाल रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप इस वक्त नमक टेस्ट कर लें, जैसा आपको नमक चाहिए उसी अनुसार आप डालें या ना डालें वो आप पर है। तो देखिए यहाँ पे हमारी तीसरी चटनी भी तैयार है। इस चटनी को आप सैंडविच जब बना रहे हैं उस टाइम पे इसका स्प्रेड लगा सकते हैं, रैप्स में आप यूज कर सकते हैं, रोल्स में यूज कर सकते हैं, फ्रैंकीज में यूज कर सकते हैं, किसी टाइप की आप कचौरी बना रहे हैं उसमें यूज कर सकते हैं, डोसा में यूज कर सकते हैं, और ऐसे कई और रेसिपीज हैं जिसमें आप इस चटनी का यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारी
यहाँ पे धनिया और पुदीना से तीन चटनी बनकर तैयार है। यहाँ पे मैं दो बातें बोलना चाहूंगी, अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, नमक आप पहले ही टेस्ट कर लीजिए, और हाँ आप इन चटनियों को हफ्ता भर स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। अब आप इन टेस्टी चटनियों को खुद भी खाएं, अपने दोस्तों को भी खिलाएं, और मेरी अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।